वेलकम टू ऑल। हम लोग आज डिस्कस कर रहे हैं सम टर्म्स एंड डिसऑर्डर्स विच आर एसोसिएटेड विद एक्सक्रीटरी सिस्टम, मतलब उत्सर्जित तंत्र से संबंधित कुछ विशेष टर्म्स और कुछ विकार डिसऑर्डर्स हम लोग आज की वीडियो के अंदर डिस्कस करने जा रहे हैं। जितने भी एक्सक्रीटरी सिस्टम के इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं और जो डिजीजेस हैं, राइट, डिसऑर्डर्स हैं, उनको मैंने यहां पर कोशिश की है कि सबको एक जगह पे ला दूं। ठीक है। नाउ सबसे पहला है एन्यूरिया। व्हाट इज एन्यूरिया? जैसे कि नेम शो कर रहा है, ए मतलब एब्सेंट, एन्यूरिया मतलब फेल्योर ऑफ किडनी टू एक्सक्रीट यूरिन। ये एक ऐसी डिजीज्ड कंडीशन है जब किडनी जो होती है वो यूरिन को एक्सक्रीट आउट नहीं कर पाती है। मींस एन्यूरिया इज अ डिसऑर्डर इन विच द किडनीज आर नॉट एबल टू एक्सक्रीट आउट द यूरिन। जब किडनी जो है वो यूरिन को एक्सक्रीट आउट ना कर सके तो ऐसी डिजीज को हम क्या बोलते हैं? एन्यूरिया। ए मतलब एब्सेंट, एब्सेंट यानी कि यूरिन जो है वो पूरी तरीके से बाहर नहीं निकलता है, एब्सेंट रहता है। ओलिगोयूरिया, जैसे मैंने कहा था कि एन्यूरिया, ए मींस एब्सेंट मतलब कि फेलियर ऑफ किडनी टू एक्सक्रीट यूरिन। ओलिगो का मतलब होता है फ्यू, स्केंटी, राइट, कम, लेस प्रोडक्शन ऑफ यूरिन। जब किडनी जो है वो यूरिन का प्रोडक्शन बहुत कम करे, जब किडनी यूरिन का प्रोडक्शन बहुत बहुत कम करे, स्केंटी करे, राइट, तो उस कंडीशन को बोलते हैं ओलिगो यूरिया। ओलिगो का मतलब होता है लिटिल, फ्यू, कम। ओके, तो ओलिगो यूरिया मींस लेस प्रोडक्शन ऑफ द यूरिन। थर्ड, यूरेमिया, बहुत कॉमन कंडीशन है, हाई ब्लड यूरिया लेवल। जब यूरिया का लेवल ब्लड में क्या हो जाए, बढ़ जाए, तो क्या कहते हैं? उसको यूरेमिया कहते हैं। और ये कब होता है? जब किडनी फेल हो जाती है। जब किडनी फेल हो जाती है तो वो यूरिया को क्लियर नहीं कर पाएगी, तो ब्लड के अंदर जो यूरिया का लेवल है वो बढ़ जाएगा। व्हाट आई वांट टू से, यूरेमिया इज द हाई ब्लड यूरिया लेवल, इट इज द हाई ब्लड यूरिया लेवल ड्यू टू द किडनी फेल्योर इज कॉल्ड एज यूरेमिया। गाउट, व्हाट इज गाउट? हाई लेवल ऑफ यूरिक एसिड इन द ब्लड। जब आपके ब्लड के अंदर यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाता है तो उसको हम बोलते हैं गाउट। हाई लेवल ऑफ द यूरिक एसिड फाउंड इन द ब्लड इज कॉल्ड एज गाउट। ओके। डिसयूरिया, व्हाट इज डिसयूरिया? डिस मींस पेनफुल, डिस मींस पेनफुल, पेनफुल यूरिनेशन, राइट। जब एक पेशेंट जो है वो यूरिन को एक्सक्रीट करेगा तो पेन होता है, दैट इज नॉन एज अ पेनफुल यूरिनेशन, राइट। यूरिन जब पास होगा बॉडी से तो वो पेन क्रिएट करेगा, तो that is known as the dysuria. Dysuria is known as the painful urination. Okay. Now, diuresis. Diuresis. Diuresis बहुत common condition है. The process of excess formation of urine in the kidneys. Right? Kidneys के अंदर यदि excess formation हो जाए किसका? Urine का. Kidneys के अंदर यदि urine का excess formation हो जाता है तो उसको हम क्या बोल देते हैं? That is known as the diuresis. Okay? That is known as diuresis. The process of excess formation of the urine in the kidneys. अब एक और है पॉलीयूरिया। आपको डाययूरेसिस और पॉलीयूरिया के अंदर कंफ्यूजन नहीं करना है, ठीक है। पॉलीयूरिया इज एक्सेस प्रोडक्शन ऑफ द यूरिन ड्यू टू एक्सेस, ड्यू टू लेस सिक्रेशन ऑफ द एडीएच। आपने एक हार्मोन के बारे में सुना होगा, एडीएच, दैट इज नॉन एज द एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। वेन एवर दिस एंटी डाययूरेटिक हार्मोन गेट्स रिड्यूस्ड इन द बॉडी, देन व्हाट हैपेंस दैट द किडनी इज नॉट एबल टू एब्जॉर्ब वाटर, राइट, यानी कि जो नेफ्रॉन्स होते हैं उनके जो डीसीटी, डिस्टल कन्वोल्यूटेड पार्ट्स वगैरह जो होते हैं वो वाटर को एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं, तो क्या हो जाता है? यूरिन जो होता है वो ज्यादा बाहर निकलेगा, एक्सेस प्रोडक्शन ऑफ यूरिन, राइट। तो उसको हम क्या बोल देते हैं? पॉलीयूरिया कह देते हैं, दैट इज कॉल्ड एज पॉलीयूरिया। और ये कब होता है? आपने सुना होगा, जैसे कि एक डिजीज होती है डायबिटीज, दैट इज डायबिटीज इंसिपिडस, और उस डायबिटीज इंसिपिडस में क्या होता है? एडीएच हार्मोन कम हो जाता है। एडीएच हार्मोन कम हो जाता है तो नेफ्रॉन जो है उसके वेरियस पार्ट्स जो होते हैं, स्पेशली डीसीटी, वाटर का एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी, तो यूरिन जो है वो क्या निकलेगा? बॉडी से बाहर निकलेगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर यूरिन डाइल्यूट हो जाएगा, उसके अंदर वाटर का कंटेंट बढ़ जाएगा। क्लियर? तो डाययूरेसिस क्या है? प्रोडक्ट द प्रोसेस ऑफ एक्सेस फॉर्मेशन ऑफ द यूरिन इन द किडनीज। एंड पॉलीयूरिया एक्सेस प्रोडक्शन ऑफ द यूरिन ड्यू टू लेस सिक्रीशन ऑफ द एडीएच, ठीक है। जैसे कि डायबिटीज इंसिपिडस का एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है पॉलीयूरिया। नेक्स्ट है ग्लाइकोजूरिया। जैसे कि नेम शो कर रहा है ग्लाइकोजूरिया इज द प्रेजेंस ऑफ द शुगर इन द यूरिन। जब यूरिन के साथ में शुगर आना शुरू हो जाए, जैसे कि डायबिटीज मेलिटस वगैरह के अंदर आप सभी जानते हो कि देयर इज प्रेजेंस ऑफ द शुगर इन द यूरिन, तो उसको क्या बोलते हैं, ग्लाइकोजूरिया कहते हैं। हीमेटयूरिया, हीमेटयूरिया का मतलब क्या है, प्रेजेंस ऑफ ब्लड इन यूरिन। यदि यूरिन के अंदर ब्लड की प्रेजेंस देखी जाए तो उसको बोलते हैं हीमेटयूरिया। सिस्टिटिस, सिस्टिटिस इज द इंफेक्शन इन द यूरिनरी ब्लैडर, या आप कह सकते हो इन्फ्लेमेशन ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, वापस से बोल रहा हूं, सिस्टिटिस क्या है, यदि यूरिनरी ब्लैडर के अंदर इन्फेक्शन हो जाए जिसकी वजह से उसके अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाता है, सूजन आ जाती है, तो दैट इज नॉन एज द सिस्टिटिस। एक और होता है कीटोन यूरिया, वेरी कॉमन प्रॉब्लम कीटोन यूरिया, प्रेजेंस ऑफ द कीटोन बॉडीज इन द यूरिन, या मैं कह सकता हूं एब्नॉर्मली हाई लेवल्स, एब्नॉर्मली असामान्य रूप से, राइट, एब्नॉर्मली हाई लेवल्स ऑफ द कीटोन बॉडीज इन द यूरिन, राइट, कॉजेस कीटोन यूरिया। पाई यूरिया का मतलब क्या होता है, पाई मींस पस, यानी कि प्रेजेंस ऑफ द पस इन द यूरिन, या मैं कह सकता हूं प्रेजेंस ऑफ द व्हाइट ब्लड कार्पोसेल्स, प्रेजेंस ऑफ द व्हाइट ब्लड कार्पोसेल्स इन द यूरिन और द प्रेजेंस ऑफ द पस इन द यूरिन इज कॉल्ड एज पाई यूरिया। नेक्स्ट एल्ब्यूमिन यूरिया, एल्ब्यूमिन यूरिया का मतलब होता है प्रेजेंस ऑफ अ ब्लड प्रोटीन नॉन एज द एल्ब्यूमिन इन द यूरिन, राइट। यूरिन के अंदर जब एक ब्लड प्रोटीन एल्ब्यूमिन की प्रेजेंस देखी जाए तो उसको हम बोलते हैं एल्ब्यूमिन यूरिया। नेक्स्ट है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस आप सब जानते हैं कि नेफ्रॉन के अंदर ग्लोमेरुलस होता है, तो इन्फ्लेमेशन ऑफ द ग्लोमेरुलाई ऑफ द किडनी, इन्फ्लेमेशन ऑफ द ग्लोमेरुलाई ऑफ द किडनी, किडनी के अंदर जो ग्लोमेरुलाई होते हैं उसके अंदर इन्फ्लेमेशन आ जाए, सूजन आ जाए, तो उसको बोलते हैं ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। वापस से बोल रहा हूं, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस इज इन्फ्लेमेशन ऑफ द ग्लोमेरुलाई ऑफ द किडनी। नेक्स्ट है हीमोडायलिसिस, यू ऑल नो आर्टिफिशियल किडनी मशीन्स का हम लोग यूज करते हैं जब ब्लड के अंदर यूरिया बहुत ज्यादा इकट्ठा हो जाता है किडनी फेल के केस में, तो रिमूवल ऑफ एक्यूमुलेटेड वेस्ट लाइक यूरिया फ्रॉम द ब्लड बाय आर्टिफिशियल किडनी। अगेन आई एम रिपीटिंग, removal of the accumulated waste, removal of the accumulated waste like urea from the blood by artificial kidney machine is called as hemodialysis। यानी कि हम ब्लड के अंदर जो यूरिया जैसा जो वेस्ट इकट्ठा हो जाता है, राइट, उसको हम बाहर निकालते हैं आर्टिफिशियल किडनी से, तो उसको बोलते हैं हीमोडायलिसिस। रीनल कैलकुलाई, ये एक तरीके की स्टोन की प्रॉब्लम है, जो पूरा एक्सक्रेटरी ट्रैक्ट है, आर्गेटिक उत्सर्जी जो पथ है उसके अंदर स्टोन्स का बन जाना, उसको बोलते हैं रीनल कैलकुलाई। स्टोन्स और इनसॉल्युबल मास ऑफ क्रिस्टलाइज्ड सॉल्ट्स फॉर्म विद इन द किडनी, यानी कि स्टोन्स या इनसॉल्युबल मास ऑफ क्रिस्टलाइज्ड सॉल्ट्स जो होते हैं वो इकट्ठा हो जाते हैं, एक्युमुलेशन हो जाता है कहां पर, किडनी के अंदर, जैसे कि ऑक्सलेट्स, है ना, जैसे कि ऑक्सलेट्स, जैसे कि कैल्शियम फॉस्फेट, राइट, जैसे कि यूरिक एसिड, ये सब डिपॉजिट हो जाते हैं, तो क्या हो जाता है, रीनल कैलकुलाई हो जाती है, या जिसको कि आप स्टोन्स की प्रॉब्लम्स भी या पथरी की प्रॉब्लम्स भी कह सकते हो। इन्यूरेसिस, व्हाट इज इन्यूरेसिस, बेड वेटिंग। आपने देखा होगा कि जो न्यूबॉर्न चाइल्ड्स होते हैं, राइट, उनके अंदर ये बेड वेटिंग की प्रॉब्लम होती है, राइट, तो दैट इज नॉन एज द इन्यूरेसिस। मिक्चुरेशन, मिक्चुरेशन एक टर्म है एंड इट इज द एक्ट ऑफ पासिंग यूरिन, है ना, यूरिन को पास करने का जो एक्ट है, यूरिन को पास करने का जो एक्ट है that is known as the micturition। Urinote, urinote आपने देखा होगा कि urine is having a characteristic smell, the characteristic smell of the urine is because of the urinote। And आपने ये भी जानते हो कि urine का जो color होता है वो pale yellow होता है, light yellow होता है, तो urine is pale yellow because of the presence of the pigment in it, जिसका कि नाम है यूरोक्रोम। और एक हीमोग्लोबिनोयूरिया, हीमोग्लोबिनयूरिया मतलब प्रेजेंस ऑफ द आरबीसी इन द यूरिन, क्योंकि आरबीसी के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, हीमोग्लोबिन होता है। तो हमने इन 21 पॉइंट्स के थ्रू जितने भी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं और एक्सक्रीटिव सिस्टम से रिलेटेड जो डिसऑर्डर्स है उनको पढ़ा। एक बार क्विक रिवीजन ले लेते हैं। एन्यूरिया मींस फेल्योर ऑफ द किडनी टू प्रोड्यूस और टू एक्सक्रीट यूरिन। ओलिगोयूरिया इज, ओलिगो मींस फ्यू, लेस प्रोडक्शन ऑफ द यूरिन। यूरेमिया मींस हाई blood urea level due to the kidney failure. Gout is the presence of the uric acid, high level of the uric acid in the blood. Dysuria is called as a painful urination. Diuresis is the process of the excess formation of the urine in the kidneys. Polyuria is a case in which excess production of the urine occur due to less secretion of the ADH, because of which water is not absorbed and more water will be released out, with the urine as the urine becomes diluted, okay, and it happens in the diabetes insipidus. Glycosuria is the presence of the sugar in the urine. Hematuria is the presence of the blood in the urine. Cystitis is the inflammation or the infection of the urinary bladder. Ketonuria is the presence of abnormally high levels of the ketone bodies in the urine. Pyuria is the presence of the pus cells or the pus or the WBC in the urine. Albuminuria is the presence of a blood protein known as the albumin in the urine. Glomerulonephritis is the inflammation of the glomeruli of the kidney. Hemodialysis is the removal of the accumulated waste like the urea from the blood with the help of an artificial kidney machine. Renal calculi is the problem of the stones in the kidneys. Stones or the insoluble mass of the crystallized salts like the oxalates and the uric acid and the calcium phosphates are deposited, okay, and this problem is called as the renal calculi or the kidney stones. Enuresis is called as the bed wetting, which is seen in the small aged children's. Micturition is the act of the passing urine. Urinode is a substance which is responsible for the peculiar smell of the urine. Urochrome is the pigment found in the urine, because of which the color of the urine is yellow. And hemoglobinuria is the presence of the RBC, in the urine. Okay, so today we have discussed these disorders and the terms associated with excretory system. In the coming time, we will be coming with few new videos based on the human physiology. Thanks a lot for watching me.